गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोनी मैम फ्रॉम लिटिल फ्लावर एकेडमी। टूडे आई विल टीच यू जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट एंड आवर फर्स्ट चैप्टर इज क्लास सेवेंथ। आवर फर्स्ट चैप्टर इज एनवायरमेंट। आवर फर्स्ट चैप्टर इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मीन्स पर्यावरण। एनवायरमेंट मीन्स पर्यावरण। तो हम चारों तरफ जिस चीज़ों से घिरे हुए हैं तो वो किस क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। दूसरी बात बच्चों, जैसे इनवेरो, इनवेरो मीन्स सराउंडिंग, आल सराउंडिंग थिंग्स, एंड मेंट मीन्स कवर्ड, मेंट मीन्स कवर्ड। तो मतलब चारों तरफ हमारी चीज़ें जो ढकी हुई हैं, जो हमारे चारों तरफ देखने को मिलती हैं, वो क्या कहलाएंगी? पर्यावरण कहलाएंगी। ठीक। अवर दिस चैप्टर एनवायरमेंट स्टार्ट विथ अ लिटिल स्टोरी। विच टाइप ऑफ स्टोरी? आफ्टर अ लॉन्ग वोकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, ही नोटिस दैट ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप। व्हेन आफ्टर रवि बॉय एंड जब वो लंबी छुट्टियों के बाद अपने स्कूल गया तो देखा जो एक लौता उसका प्ले ग्राउंड था जहाँ वो खेलता था, वो क्या हो रहा है? वो खना जा रहा है, मतलब उसकी खुदाई चल रही है, वहाँ कुछ काम लगा हुआ है। People said that a huge buildings with many flats will be constructed there. मतलब लोग वहाँ कहते थे कि यहाँ पे क्या बनेगा, जब पूछा जाए भाई कोई काम होता क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे बिल्डिंग्स बनने वाले हैं। ठीक। तो रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। और रवि की ये इस बात को सुनकर कि मतलब इतनी लंबी छुट्टी के बाद आया और उसके बाद क्या हुआ कि वो स्कूल पहुंचा जो उसका एक प्लेग्राउंड, बच्चों को खेलना कितना पसंद है। ठीक। तो वो प्लेग्राउंड क्या हुआ, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो उसकी ये सब सुन के उसकी आंखों में आंसू आ गए। एंड When he realized that a big playground with its soft grass and marigolds and butterflies is gone forever, और जो playground में जो marigolds के पेड़ थे, ये जो आपके butterflies थे, ये सब क्या हैं, और soft soft जो grass थे, जो घासें थी, वो सब हमेशा के लिए चले जाएंगे, उसको छोड़ के चले, फिर वो इस फील्ड में कभी वहाँ पर वो देख नहीं पाएगा, क्या देखेगा? सिर्फ लंबी लंबी buildings। ठीक। तो He shared his feeling with the classmate। वो अपनी इन बातों को किससे कहता है? अपने दोस्तों से जाके बताता है। In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing। और एक असेंबली में प्रिंसिपल भी ये कहती हैं कि देखो हमारा पर्यावरण किस तरह से बदल रहा है, वो भी दुखी होके कहते हैं। इन द क्लास रवि आज हिज टीचर। क्लास में रवि अपने टीचर से पूछता है वॉट इज इन्वायरमेंट। कहता है कि सर ये पर्यावरण क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है? तो मैंने वही बताया जो है डिफिनीशन, इनवेरो, इनवेरो मीन्स चारों तरफ, मेंट मीन्स ढका हुआ, कोई चीज़ ढक दीजिए वो। तो उसने डिफिनीशन क्या हुआ कि वाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, जो कुछ भी आप अपने चारों तरफ देखते हो तो वो क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। वाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स। ठीक। तो रवि थॉट अलाउड, वो थोड़ी देर के लिए रुकता है। एंड डैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग्स, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन डैट ओपन फील्ड एंड द रोड्स एंड गार्बेज, माई फ्रेंड्स आल आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो कहता है क्या ये जो क्लासरूम, डेस्क, बेंच, मेरे दोस्त और जो बिल्डिंग्स, स्कूल, गार्बेज, यहाँ तक सब कुछ मेरा पर्यावरण है, क्योंकि सब कुछ हमारे चारों तरफ दिखते हैं। तो यस, ऑल दीज थिंग्स इज आल्सो आवर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो बट सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। लेकिन कुछ क्या होते हैं ऑब्जेक्ट जो है बेटा, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? नेचर के द्वारा बनाए जाते हैं। और कुछ जो है मैनमेड होते हैं। नेचुरल चीज़ें क्या होती हैं? जैसे आपका हुआ माउंटेन हुआ, रिवर्स हुआ, ट्रीज हुआ। ठीक है। एनिमल्स हुए एंड देयर आर मेड बाय द पीपुल। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोड हुआ आपका, ठीक है, कार हुआ, आपके कपड़े हुए, बुक्स हुई, ये सब ह्यूमन मेड है। लेकिन ये दीज नेचुरल एंड ह्यूमन मेड बोथ आर द पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। ओके। एंड नेक्स्ट, नाउ वर्क इन द पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सीटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाई ह्यूमन बींग्स। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा,
We are excited about making the list. Why our environment changing? Asked the Iqbal. It's all because of needs. मतलब उन्होंने कहा कि अच्छा आप एक लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सी नेचुरल चीज़ें हैं और कौन कौन सी ह्यूमन मेड्स हैं। इसमें जो है रबी, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, ये सब बहुत ही उत्तेजित होकर इस बनाने चले। और उन्होंने कहा कि ये हमारा जो पर्यावरण है क्यों बदल रहा है। उन्होंने इकबाल से पूछा, ये कहा कि क्यों बदल रहा है, क्योंकि बच्चों पहले देखिए हमारी जो ज़रूरतें होती हैं ना उसको हम पूरा करने के लिए क्या करते हैं, एक किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं। सपोज पहले देखिए, पहले कोई फैन नहीं था, आदमी ऐसी नेचुरल जो आप पेड़ पौधे की हवा चलती थी उसी से इंसान रहता था, ठीक। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे ज़रूरतें बढ़ी, ठीक है, तो फैन का आविष्कार हुआ, और ज़रूरतें बढ़ी कूलर का आविष्कार हुआ, और ज़रूरतें बढ़ी तो एसी का आविष्कार हुआ। इस तरह हमारी ज़रूरतों को क्या होता गया, वो विस्तार होता गया, हमारी आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए हम लोग एक के बाद एक चीज़ें बनाते गए। इस तरह से एक छोटा सा घर था, अब हमें और घर की जब और ज़रूरत पड़ी तो एक दूसरा घर, ठीक है। इस तरह आपके क्लासरूम कम बच्चे थे, पहले अभी 5 क्लास तक चल रहा था, नहीं अभी 8th, 9th, 10th चलेगा तो और क्लासरूम, तो वो कहाँ बनेगा बेटा, यहीं बनेगा, इसी लैंड पे बनेगा, इसी ज़मीन पे बनेगा। तो ये हमारी ज़रूरतों के हिसाब से क्या है, इसकी जो है ये पूरा करता रहता है, यही जो है कहलाता है। एंड दे इंक्रीजिंग डे बाई डे, और ये क्या है, दिन प्रतिदिन हमारी इच्छाएं जो है बढ़ती जाती हैं। अभी हम छोटे से घर में कमरे में रहेंगे तो हमें क्या लगेगा, नहीं हमें बड़ा घर चाहिए जहाँ गाड़ी खड़ी हो सके, ठीक। वी आर देयर फोर मॉडिफाई एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। और इस प्रकार से हम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने जो चारों तरफ की चीज़ें हैं उनको, एनवायरमेंट की चीज़ें हैं उसको नष्ट करने लगते हैं। कैसे करते हैं, अब जैसे सपोज डेट हमें एक बगल में, मेरे घर के बगल में एक फील्ड है जहाँ खूब ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, हमने उसको खरीद लिया, और हम उसको क्या करेंगे, हमें वहाँ बड़ा घर चाहिए। अब सारे पेड़ को हम क्या करेंगे, कटवा देंगे और वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाएंगे, तो हम अपने एनवायरनमेंट को जो क्या किए, उसका मिसयूज किए ना, उसी को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये होता है, हम अपने नीड्स को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अपने ही जो वातावरण है, जो हमारा पर्यावरण, उसी को हम लोग क्या करते हैं, नष्ट करते रहते हैं, ठीक है। From the above conversation, you understand that the place, people, things and natural and surrounding any living organism is called the environment. तो आप इतना जो मैंने आपको बताया तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारी चीज़ें, कोई भी चीज़ हमारे चारों तरफ, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई पेड़ हो, चाहे कोई पर्सन हो, वो क्या है, अगर हम लोग हैं तो वो क्या है, इन्वायरमेंट का पार्ट है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द नेचुरल एंड द ह्यूमन मेड। ये किससे हमने बताया, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, क्या नेचुरल भी होता है और ह्यूमन मेड का भी होता है। While the natural environment refer to both biotic and abiotic, ये क्या होता है, biotic और abiotic, मतलब जैविक और अजैविक दोनों चीज़ें होती हैं। biotic क्या होता है, biotic the word living organism, जैसे जिसमें सजीव जीवी चीज़ों को biotic कहते हैं, जैसे आपके पेड़ पौधे हुए, जानवर हुए, ह्यूमन हुए, ठीक है। एबायोटिक ये भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं सभी, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे आपके हो गए लैंड, रिवर, ठीक, ये सब आपके एबायोटिक हुए, ठीक। एंड द ये क्या होते हैं, ये जो है दोनों पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिफ्लेक्ट्स द एक्टिविटीज क्रिएशन एंड द इंट्रैक्शन एमंग द ह्यूमन बींग्स, ये जो है, ठीक, इस तरह से आपका ये हुआ। दूसरी बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, क्या आती है, कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इसमें देखो कौन किसके ये घटक होते हैं, पर्यावरण के घटक कितने घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं। पहला आपका है नेचुरल एनवायरनमेंट, जो मैंने बताया आपका एयर होता है, वाटर होता है, लैंड होता है, लिविंग थिंग्स होता है, ठीक। दूसरा आपका होता है ह्यूमन मेड, क्या होता है, ह्यूमन मेड, इसमें आपका पार्क्स होता है, बिल्डिंग्स होते हैं, ब्रिज होते हैं, रोड्स होते हैं, जितनी भी मानव द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, इंडस्ट्रीज हुए, ये सब एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें इसमें जो है इंक्लूड होती हैं। तीसरा आपका आता है ह्यूमन, खुद क्या होता है, वो पहले इंडिविजुअल खुद होता है, फिर उसकी फैमिली, कम्युनिटी जहाँ वो रहता है, एक समाज, उसका धर्म, एजुकेशनल एंड द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल, ये सब क्या है, ये ह्यूमन के वो मतलब पार्ट है, ये ह्यूमन, इसमें इन सब चीज़ों पे कौन दिखेगा आपको, ह्यूमन ही दिखेगा, कोई दूसरा पर्सन तो दिखेगा नहीं। तो ये आपको इसमें मेन बात आपको क्या रखनी याद करनी है, आपको याद करना है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, दूसरा है आपको याद करना है जो कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट्स, तीसरा आपको याद
करना है, व्हाट इज द बायोटिक एंड अबायोटिक, क्या याद करना है, बायोटिक एंड अबायोटिक। और मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, जिसमें आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है वो, और जो है जो ये जितने घटक दिए हुए हैं, जितने आपके कंपोनेंट दिए हैं, इसको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों आप इसको पढ़िएगा, इसमें जितने भी टफ वर्ड्स हैं उसको लिखिएगा, एनवायरनमेंट की डिफिनीशन, उसके कंपोनेंट्स, और जो है बायोटिक अबायोटिक की डिफिनीशन याद करके दिखाइएगा। डैट्स ऑल, थैंक यू।